उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक मुकदमे के समझौता कराने के बहाने घर बुलाकर रंजिशाना जहर देकर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। मृतक ने मृत्यु से पूर्व कैमरे पर आरोपी का नाम भी कबूला। सूचना पर पहुंची कोतवाली बीसलपुर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने नामजद तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कराया है। इस मामले की जाँच में अब पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के गांव खरदई निवासी मुंशी लाल के पुत्र सुजीत का उक्त कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुबे निवासी कमलेश मोहन वाजपेयी उर्फ चुन्नू से कुछ समय पहले विवाद हो गया था और विवाद के बाद कमलेश मोहन वाजपेयी उर्फ चुन्नू ने सुजीत सहित उसके भाई विनीत के खिलाफ संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। जबकि मृतक विनीत उस समय रुद्रपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। जब विनीत ने उस मुकदमे में नाम होने की सूचना मिलती है तो वह पीलीभीत आया। विनीत ने कमलेश मोहन वाजपेयी के मुकदमे का नाम वापस लेने को कहा है। आरोप है कि 5 अगस्त को कमलेश ने समझौते की बात कहकर उसे अपने घर बुलाया। विनीत परिवार को समझौते की बात कहकर घर से चला गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये पहले से सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। हम दरोगा रह गए ना, तो फिर से बताओ किसने चुन्नू वाजपेयी। चलो जयदेव जो युवक की हत्या हुई है, क्या मामला है? ये एक जानकारी मिली है कि पटेल नगर में एक व्यक्ति विनीत मिश्रा जो किराए पर रहते थे, खरदई गांव दीजा के रहने वाले हैं, कल इनका किसी व्यक्ति ने जहर दे दिया, ऐसी तहरीर प्राप्त हुई है। और आज सुबह ये लोग थाने पहुंचे थे। हम लोगों को जो एक मुकदमा चल रहा है उसी में संबंधित फैसले में बुलाया गया था और जहर दे दिया। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर हम सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। पीलीभीत से ये थी संदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।